रूस यूक्रेन युद्ध के असर से इस साल दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इसकी वजह सप्लाई की दिक्कतों के साथ साथ रूस के कच्चे तेल पर लगे प्रतिबंध भी थे। ऐसे में रूस ने भारत और चीन समेत कई देशों को कम कीमतों पर कच्चा तेल बेचना शुरू किया था। भारत ने भी कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी के मद्देनजर रूस से सस्ती कीमत पर तेल आयात शुरू कर दिया था। ऐसे में भारत ने रूस से इतनी मात्रा में क्रूड आयात किया कि अक्टूबर के बाद नवंबर में भी रूस लगातार दूसरे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर रहा है। ऊर्जा की खेप पर निगरानी रखने वाली कंपनी वोर्टेक्सा के आंकड़ों से ये जानकारी सामने आई है। नवंबर में भी भारत ने इराक और सऊदी अरब जैसे परंपरागत क्रूड सप्लायर्स को पीछे छोड़ दिया है। मार्च के बाद से अब तक भारत का रूस से क्रूड आयात किस तरह बढ़ा है ये वोर्टेक्सा के आंकड़ों में साफ नजर आता है, जिसके मुताबिक 31 मार्च 2022 को खत्म हुए साल में भारत के सभी तेल आयात में रूस का महज 0.2% हिस्सा था। वहीं नवंबर में रूस ने भारत को 9.09 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की सप्लाई की है, जो भारत के कुल तेल आयात के 20% से भी ज्यादा है, जबकि नवंबर में इराक से 8.61 लाख BPD और सऊदी अरब से 5.7 लाख BPD तेल का आयात किया गया और अमेरिका से 4.05 लाख BPD क्रूड का रोजाना आयात हुआ। हालांकि नवंबर में रूस से भारत का क्रूड आयात मात्रा के लिहाज से अक्टूबर के मुकाबले कम रहा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत ने दिसंबर 2021 में रूस से महज 36,255 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया था। इस अवधि में इराक से 10.5 लाख बैरल प्रतिदिन और सऊदी अरब से 9.52 लाख बैरल प्रतिदिन का आयात किया गया था। मार्च में भारत ने रूस से 68,600 BPD कच्चे तेल का आयात किया, जबकि अप्रैल में ये बढ़कर 2.66 लाख BPD हो गया और जून में 9.42 लाख BPD पर पहुंच गया। लेकिन जून में इराक 10.4 लाख बैरल प्रतिदिन के साथ भारत का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर रहा था। इस आयात बढ़ोतरी से भारत को अपने क्रूड बिल को ऊंची कीमतों के बावजूद कुछ हद तक कंट्रोल रखने में कामयाबी मिली है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।